a melodrama, The Count of Monte Cristo for class 11. Countess of Marcef, Mercedes. Count of Monte Cristo, Edmund Banks. Count of Marcef, Fernand Mondego. Albert Bichon. The melodrama, The Count of Monte Cristo, Scene 2. An apartment in the house of the Count of Monte Cristo in the Champs-Élysées. एक apartment, the Count of Monte Cristo के घर का, जो के वाकया है Champs-Élysées में. The Count is seated in the center of the room. जनाब Monte Cristo जो है वो बैठा हुआ है अपने room के center में. There is a pistol in his hand. And there are more pistols besides him. एक पिस्टल उसके हाथ में है और उसके करीब साइड में और भी पिस्टल्स पड़ी हुई हैं. From time to time he turns sideways to fire at an unseen target. वो वक्फे से निशाने लेता है एक अनसीन टारगेट को हिट करने के लिए. Occasionally, be reloaded a pistol. By his side stands his friend Morel. वो इसी तरह निशानेबाजी कर रहा होता है कि फिर वो देखता है कि उसकी साइड में उसका दोस्त मोरेल खड़ा है. Watching each shoot as it goes to its mark. देखते हुए कि Count of Monte Cristo ने जितने भी शूट्स मारे हैं वो सारे के सारे निशाने पर लगे हैं. Monte Cristo, I have sent for you, my dear Morel. Because I need your help in a very important matter. Monte Cristo कहता है कि मेरे दोस्त मैंने तुम्हें बुलावा भेजा था क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद दरकार है एक बहुत ही अहम मसले में. Morel, जो कि Monte Cristo का दोस्त है, laughing, what that matter is, my dear Count. जनाब Count Monte Cristo, वो कौन सा मसला है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है. I need hardly inquire. मैं तुमसे मालूम कर रहा हूँ. Your present occupation makes it all too clear. तुम्हारा ये जो पेशा है ये इसे बिल्कुल क्लियर कर देता है, वाजिया कर देता है कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है. You intend to a fight a duel. तुम एक ड्यूल लड़ने जा रहे हो. And you are going to ask me to assist you as your second. Is that not so? और तुम चाहते हो कि उस ड्यूल में मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्या ऐसा नहीं है. Monte Cristo, firing. You have guessed right. Monte Cristo फायर करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना. Morel, may I know who your opponent is to be? इस पर Morel पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा जो है वो दुश्मन कौन है, कौन है जिसके मुखालिफ तुम लड़ने वाले हो ड्यूल. Monte Cristo, certainly, it is Albert, son of the Count of Marcef. इस पर Monte Cristo जवाब देता है कि बेशक वो एल्बर्ट है, जनाब Marcef का बेटा. Morel, indeed, one of your closest friends, in what way have you offended him? बेशक वो तो तुम्हारा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, तुमने उसे किस तरह से ऑफेंड कर दिया कि वो तुम्हारे बरखिलाफ हो गया. Monte Cristo, Morel, I have done nothing. Here he came half an hour ago with his friend Bishop and challenged me to fight a duel. मैं Morel, मैंने तो कुछ नहीं किया. यहाँ आधे घंटे पहले वो अपने दोस्त के साथ आया था और वो मुझे ड्यूल के लिए चैलेंज करके गया है. Morel, एंड वट वॉज योर आंसर? तो तुम्हारा क्या जवाब था उस पर. Monte Cristo, ओह आई agreed विदाउट hesitation. What is मोर, आई allowed हिम चूज द weapon. ही चोज pistols एंड वी मीट tomorrow मॉर्निंग इन द boys Vincennes. ओह मैं एग्री हो गया बगैर किसी हिचकिचाहट के, इसके अलावा और क्या करता. और मैंने इसके साथ साथ उसे हथियार चुनने की भी परमिशन दे दी, उसने पिस्टल्स चुनी. और अब कल सुबह हम लोग बॉयज़ डिवेंसन्स में मिलने वाले हैं और वहाँ पे ये ड्यूल होगा. Morel, एंड व्हाट विल यू डू विद हिम? Morel पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगे उसके साथ. Monte Cristo, What shall I do with Albert? I shall kill him before 10 o'clock tomorrow morning.
ही फायर्स एट द टारगेट। इस पर मोंटी क्रिस्टो मोरेल को जवाब देते हुए कहता है कि मैं अल्बर्ट के साथ क्या करूँगा, मैं उसे सुबह 10 बजे से पहले मार दूँगा। और ये कहते ही वो दोबारा से एक फायर करता है टारगेट के ऊपर। मोरेल, आई सपोज देर इज़ सम कॉज फॉर द क्यूरल बिटवीन यू। मुझे लगता है कि कोई ख़ास वजह है तुम दोनों की इस लड़ाई के बीच। मोंटी क्रिस्टो, कॉज आई हार्डली नो बट द फैक्ट इज मोरेल दैट एल्बर्ट इज अपसेट बाई द डिसग्रेस विच हैज़ फॉलन अपॉन हिज फादर। मोरेल के इस सवाल पर मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि वजह, मैं तो नहीं जानता किसी वजह को, हाँ लेकिन एक फैक्ट है मोरेल कि एल्बर्ट फ़िलहाल जो है अफसरदा है अपने बाप की बेइज्जती के ऊपर। मोरेल, हैड यू एनी हैंड इन इट, क्या इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना है? मोंटी क्रिस्टो, सर्टेनली इट वॉज आई हु इंसर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स द पैराग्राफ्स विच लेड टू द काउंट ऑफ मोरसेफ्स रुइन। इट वॉज आई who sent to the chamber of deputies this evening a witness who furnished proof of his guilt. इस पे मोंटी क्रिस्टो जो है वो जवाब देते हुए कहता है कि बेशक, certainly, बेशक, it was I who inserted in the newspapers the paragraphs. ये मैं था जिसने न्यूज़पेपर में वो पैराग्राफ शाया किए जिसकी वजह से जनाब मोरसेफ जो है वो बर्बाद हो गया। It was I who sent to the chamber of deputies. ये वो मैं था जिसने डेप्यूटीज़ के चैम्बर में उस विटनेस को भेजा, वो जो ओल्ड लेडी गई थी उस विटनेस को भेजा जिसने प्रूफ जो है सवाबित दिए जिसने जिसकी वजह से ये मोरसेफ जो है वो गिल्टी वहाँ पर पेश हुआ। मोरेल, एंड येट एल्बर्ट इज़ योर फ्रेंड, माई डियर मोंटी क्रिस्टो, वट कैन यू योर मोटिव बी। इस पे मोरेल कहता है लेकिन फिर भी एल्बर्ट तुम्हारा दोस्त है मेरे दोस्त मोंटी क्रिस्टो, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मोंटी क्रिस्टो, आह माय मोटिव। इस पर मोंटी क्रिस्टो एक ठंडी आँख भर कर कहता है मेरा मोटिव, मेरा क्या ख्याल है इस बारे में? ही फायर्स एट द टारगेट एंड एट द सेम मोमेंट हिज स्टूवर्ड बर्टुशियो कम्स इन। वो एग्रेसिवली जो है वो फायर करता है टारगेट के ऊपर और इसी लम्हे के अंदर अंदर उसका सर्वेंट बर्टुशियो जो है वो अंदर आ जाता है। बर्टुशियो, टू मोंटी क्रिस्टो, पार्डन मी सर, देयर इज़ अ लेडी टू सी यू। यहाँ पर हम देखते हैं डियर व्यूअर्स कि मोंटी क्रिस्टो और मोरेल की जो आपस में गुफ्तगु चल रही थी कल के ड्यूल को लेकर, वहाँ पर मोंटी क्रिस्टो का सर्वेंट आके बताता है कि एक खातून है जो आपसे मिलने के लिए आई है। मोंटी क्रिस्टो, व्हाट लेडी? बर्टुशियो इस पर मोंटी क्रिस्टो से सवाल करके कहता है कि कौन खातून आई है? बर्टुशियो, शी वेयर्स अ वील ओवर हर फेस सर एंड आई डू नॉट नो हर नेम। इस पर बर्टुशियो जो उसका सर्वेंट है वो जवाब देता है कि सर उस खातून ने चेहरे पे एक निकाब ओढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं नहीं जान उसको पहचानता और ना ही उसने अपना मुझे नाम बताया है। मोरेल, राइजिंग, वेल काउंट, आई विल गो अबाउट दिस बिजनेस ऑफ द ड्यूएल टुमारो मॉर्निंग यू से in the boys' defenses. I take it that Bishop will act as Albert's second. इसके ऊपर मोरेल जो है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि जनाब मैं इस हवाले से सोचता हूँ जो कि ड्यूल है कल का आपका और आपने बताया कि ये बॉयज़ डिवेंसेज में होना है कल सुबह, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ब्यूशम के हवाले से देखता हूँ जो कि एल्बर्ट्स का साथी बनने वाला है इस ड्यूल में। I will call his house immediately and will return to you when it's all settled. मैं अभी बिशप के घर जाऊंगा फौरन और मैं ये तमाम मामला हल करके आपके पास वापस पलटता हूँ। He goes out. As he passes through the doorway, he gives a curious glance at the veiled lady who has been ushered in. जैसे ही मोरेल बाहर की तरफ जा रहा होता है और वो सामने से गुजरता है डोरवे के, तो वो एक बहुत ही जो है हैरान कुन नज़र से देखता है उस निकाब पोश औरत की तरफ जो कि अचानक से अंदर आई होती है और एक कॉर्नर में खड़ी होती है। द लेडी वेट्स अंटिल बर्टुशियो हैज़ ऑल्सो गॉन एंड हैज़ क्लोज द डोर आफ्टर हेम। वो खातून सब्र करती है जब तक के जो सर्वेंट होता है मोंटी क्रिस्टो का बर्टुशियो वो भी वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। एंड देन शी थ्रोज़ असाइड द व्हील
इट इज़ द काउंटेस ऑफ मोरसेल्फ। और डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो निकाह पोश औरत जो थी वो फौरन अपना मास्क जो है वो फेंकती है एक साइड पर। हमें पता चलता है कि वो तो मर्सिडीज़ होती है जो कि मोरसेल्फ की बीवी है। काउंटेस कमिंग फॉरवर्ड इन अ बिशिंग मैनर, एडमोंड डेंटिस डू नॉट किल माई सन। इतने में हम देखते हैं कि मर्सिडीज़ जो है वो सामने आती है तेज़ चलते चलते, और जो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है उसके ओरिजिनल नाम जो कि एडमंड डेंटिस है उससे उसको मुखातिब करके कहती है कि डू नॉट किल माय सन, मेरे मेरे बेटे को मत मारो। मोंटी क्रिस्टो स्टार्टिंग हाउ एडमंड डेंटिस। मोंटी क्रिस्टो हैरान होकर, क्या एडमंड डेंटिस? काउंटेस एडमंड डेंटिस डू यू थिंक आई डू नॉट नो यू। इस पर जो है मर्सिडीज वो बोलती है कि एडमंड डेंटिस क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती? डू यू थिंक आई हैव नॉट नोन यू सिंस यू अराइव्ड इन पेरिस। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती थी जब तुम पेरिस में वापस आए? डू यू थिंक दैट आई हैव नॉट बीन लॉन्ग अवेयर दैट द नेम ऑफ द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो क्लॉक्स द पर्सन ऑफ वन टू होम आई वॉज फॉर्मरली बेट्रूटेड। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती थी कि ये जो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो का नाम लेकर तुमने जो इसके पीछे बंदा छुपा हुआ है उसके साथ मैं एक ज़माने में मंगनीशुदा थी? मोंटी क्रिस्टो रिकवरिंग हिमसेल्फ, वेल मैडम यू हैव फाउंड मी आउट, व्हाट इज़ योर बिजनेस विद मी। यहाँ पे मोंटी क्रिस्टो बिल्कुल शिशदर रह जाता है और वो अपने आप को समेटते हुए कहता है कि वेल मैडम आपने मुझे पहचान लिया, यहाँ क्या मकसद है आपका आने का? काउंटेस फर्मली एडमंड आई नो एवरीथिंग दैट हैज पास्ड बिटवीन यू एंड माय सन। काउंटेस बहुत नरम लहजे से, एडमंड मैं जानती हूँ वो सब जो हुआ है तुम्हारे और मेरे बेटे के दरमियान। फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिली नेम ही हैज चैलेंज्ड यू and tomorrow morning he will fight with you, is that not so? हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त के नाम उसने तुम्हें चैलेंज किया है और कल सुबह तुम दोनों में लड़ाई होने वाली है, क्या ये मामला नहीं है? मोंटी क्रिस्टो he has challenged me madam, yes, and tomorrow morning I shall kill him। इस पर मोंटी क्रिस्टो कहता है कि उसने बिल्कुल मुझे चैलेंज किया है मैम, आप सही हैं, और कल सुबह मैं उसे मार दूंगा। द काउंटेस ऑफ मोरसेफ शडर्स। ये सुनकर मर्सिडीज़ जो कि मोरसेफ की बीवी है वो हैरान रह जाती है। आई डू नॉट सी हाउ आई कैन हेल्प किलिंग हिम माई पिस्टल, यू सी नेवर मिसेज इट्स एम। इस पर मोंटी क्रिस्टो उसे और तकलीफ़ में मुब्तला करते हुए कहता है कि देखो कि मेरी पिस्टल कभी निशाना नहीं चूकता मेरी पिस्टल का, और कल मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ही टर्न्स एंड फायर्स एट द टारगेट। और ये बोलते हुए वो दोबारा मुड़ता है और टारगेट पर फिर से निशाना लगाता है। काउंटेस कमिंग फॉरवर्ड सडनली एंड नीलिंग बिफोर हिम। ये सुनकर काउंटेस जो है वो भागकर आगे आती है और अपने कदमों पे गिर जाती है उसके सामने। एडमंड There was a time more than 20 years ago when you and I were to be married. Edmund, ek waqt tha aaj se 20 saal pehle jab tum aur main shaadi karne wale the. But Edmund, lekin Edmund,
I swear to you that I knew nothing of his villainy, and all men assured me that you were dead. इस पे काउंटेस कहती है कि एडमंड, मैं कसम खाती हूँ कि मुझे उसके इन शैतानी इरादों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और वहाँ पे उस वक़्त तमाम लोगों ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि तुम मर चुके हो. In a lower voice still, I was soon to find out how mean and heartless he was. और फिर उसी तरह धीमी आवाज़ में वो कहती है, और बहुत जल्द मुझे मालूम हो गया था कि ये किस कदर बददिल इंसान है. मोंटी क्रिस्टो, कैन यू देन ब्लेम मी फॉर परसुइंग योर हस्बैंड एज आई हैव डन. इस पे मोंटी क्रिस्टो कहता है, तो क्या फिर तुम अब भी मुझे ब्लेम दोगी इस चीज़ का, मुझे कसूरवार ठहराओगी कि जो मैंने तुम्हारे शौहर के साथ किया. कैन यू ब्लेम मी फॉर हैविंग फ्रेटेड आउट हिज सीक्रेट टिल आई डिस्कवर्ड दैट इट वॉज ही नॉट आई हु वॉज अ ट्रेटर टू हिज कंट्री. क्या अब भी तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी कि मैंने उसके इन तमाम राजों को अफशा कर दिया, ये जानते बूझते कि ये वो था ना कि मैं, जो कि इस मुल्क का गद्दार था. काउंटेस प्राउडली, नो एडमंड, आई कैन नॉट ब्लेम यू इफ यू सीक अ वर्स वेंजनेस. इस पे काउंटेस जवाब देती है, नहीं एडमंड, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकती अगर तुम जो है वो सख्त किस्म का जो है उससे बदला लो. अ फार वर्स वेंजनेस, बल्कि एक शदीद किस्म का बदला. फॉर 14 ईयर्स ऑफ वंडरफुल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 14 साल की जो तुम्हें जो है वो कैद काटनी पड़ी, उसकी बिना पर ये जो तुमने किया है ये उसके मद्दे मुकाबिल कुछ नहीं, और मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी. बट why must your vengeance fall on my son as well as on my husband. lekin kyun tumhara ye jo badla hai ye mere bete aur mere shohar ke liye hai. my son has never done you wrong, mere bete ne to tumhare sath kuch galat nahi kiya Edmund. he loves and admires you, wo to tumhe pasand karta hai aur tumhe sarahta hai. you saved his life once, tumne to uski zindagi bachayi thi ek dafa. Why did you save it then if you are resolved to take it now? तुमने उसकी ज़िंदगी तब क्यों बचाई अगर तुमने आज उसकी ज़िंदगी दोबारा से लेनी थी. She comes to him and seizes his hand. Countess उसके करीब आती है और उसके हाथों को झंझोड़ देती है. Edmund, it is more than 20 years since that young sailor loved the Catalan girl. इस पे Edmund को वो कहती है कि Edmund, ये 20 सालों से ज़्यादा है अरसा कि वो जो नौजवान सेलर था वो उसके टैलेंट गर्ल को पसंद करता था. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मूव योर हार्ट नाउ, मैं अब तुम्हें अपना दिल बदलने के लिए नहीं कहूँगी. बट विल यू नॉट रिमेम्बरिंग द पास्ट, क्या तुम्हें वाकई अब भी अपना माजी याद नहीं आ रहा. लिसन टू द entreaties of one who never knowingly wronged you and who has never ceased to admire and respect you. इसके बाद वो कहती है कि सुनो उन तमाम यादों को कि जिसके अंदर उस लड़की ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और आज तक वो तुम्हें एडमायर करती है और तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है. मोंटी क्रिस्टो इज मच मूव्ड. ये सुनकर मोंटी क्रिस्टो अंदर से हिल जाता है. ही विड्रॉज जेंटली फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मोरसेफ. ये सुनने के बाद वो बहुत ही आराम से अपने हाथों को छुड़ा लेता है. सेट्स डाउन एंड बर्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स. वो नीचे बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है. मोंटी क्रिस्टो लुकिंग अप एट लास्ट, व्हाट डू यू आस्क मी टू डू, योर सन्स लाइफ. Very well, he shall live. ये करने के बाद मोंटी क्रिस्टो अपना सर उठाता है और फिर बोलता है कि आप मुझसे क्या चाहती हो. अपने बेटे की ज़िंदगी. बहुत बेहतर, वो ज़िंदा रहेगा. काउंटेस सीजिंग द काउंट्स हैंड एंड रेजिंग इट टू हर लिप्स.
ये सुनने के बाद मर्सिडीज़ उसके हाथों को बुलंद करती है और अपने होठों पर रख लेती है। ओ थैंक यू एडमंड, ओ शुक्रिया शुक्रिया एडमंड, यू आर नाउ द मैन हुम आई हैव नेवर सीज टू रिगार्ड एज नोबल। तुम वो नोबल इंसान हो जिसको मैं हमेशा से चाहती थी और मैं कभी नहीं भूली। मोंटी क्रिस्टो, सो मच द बेटर दैट यू शुड एक्नॉलेज इट, फॉर आई शैल नॉट हैव मच लॉन्गर टू बी थॉट नोबल बाय यू। बहुत बेहतर है, मोंटी क्रिस्टो कहता है कि बहुत बेहतर है कि तुमने इस चीज़ का एतराफ़ किया और मुझे इसका इज्जत के काबिल समझा कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मज़ीद तुम्हारी जानिब से काबिल समझा जाऊँ। काउंटेस इन रिन्यूड टेरर, व्हाट डू यू मीन एडमंड। मर्सिडीज़ उसकी ये बात सुनने के बाद दोबारा से खौफ ज़दा हो जाती है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा एडमंड। मोंटी क्रिस्टो, आई मीन दैट सिंस यू कमांड मी टू डू सो मर्सिडीज़ आई मस्ट डाई। इस पर मोंटी क्रिस्टो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि चूंकि तुमने मुझसे अपने बेटे की जान बख्शी की दरख्वास्त की है मर्सिडीज़, तो फिर मुझे मरना होगा। काउंटेस डाई एडमंड, हु सेड एनीथिंग ऑफ डाइंग। इस पे मर्सिडीज़ हैरान होकर कहती है डाई एडमंड, किसने कहा मरने के लिए। मोंटी क्रिस्टो, यू डू नॉट सपोज दैट चैलेंज एज आई हैव बीन आई कैन विदड्रॉ फ्रॉम दिस क्यूरल। इस पे मोंटी क्रिस्टो कहता है कि क्या तुम ये चीज़ नहीं समझ रही कि जो मुझे चैलेंज किया गया है उससे एक ही तरीके से मैं इस जो है जंग से और इस ड्यूल से मैं एक ही तरह से आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। एंड बेग योर सन्स पार्डन, नो मर्सिडीज, अ चैलेंज हैज़ बीन इशूड एंड अ ड्यूल मस्ट टेक प्लेस, बट आई शैल फायर इनटू द एयर and it will be my blood not your sons which will stain the ground tomorrow। इस पर जो काउंट मोंटी क्रिस्टो है वो बोलता है मर्सिडीज को कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने बेटे की ज़िंदगी मांग ली और उसके बाद मैं जाके उससे माफ़ी तलब करूँगा। नहीं मर्सिडीज, जो चैलेंज वो मुझे दे चुका है ड्यूल में वो होकर रहेगा और मैं हवा में गोली चलाऊँगा और कल सुबह मेरा खून होगा जो कि इस ज़मीन पर गिरेगा, ना कि तुम्हारे बेटे का। ये सुनने के बाद आगे काउंटेस कहती है काउंटेस, बट एडमंड यू मस्ट नॉट डाई, यू शैल नॉट डाई व्हेन। इस पर काउंटेस जो है वो कहती है लेकिन एडमंड तुम ना मरो, तुम्हें नहीं मरना चाहिए। जब मोंटी क्रिस्टो लीनिंग अप, इनफ मर्सिडीज इट इज़ सेटल्ड। इस पर मोंटी क्रिस्टो जो है वो बेजारियत का इजहार करते हुए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बहुत हो गया मर्सिडीज, ये तयशुदा है, लीव मी नाउ, अब मुझे छोड़ दो। ही रेजेज हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर लेता है। बर्टुशियो द डोर ओपन्स एंड बर्टुशियो अपीयर्स, शो द काउंटेस ऑफ मोरसेफ आउट ऑफ द हाउस। इस पर जो मोंटी क्रिस्टो है वो अपनी आवाज़ ऊँची करके अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि काउंटेस ऑफ मोरसेफ जो कि मर्सिडीज है इसको घर के बाहर का रास्ता दिखाओ। काउंटेस बट एडमंड आई इम्प्लोर यू टू। इस पे मर्सिडीज जो है वो एडमंड से रिक्वेस्ट करती है। मोंटी क्रिस्टो मर्सिडीज से नो मोर, योर सन शैल नॉट डाई, आई हैव स्वॉर्न इट। बर्टुशियो शो दिस लेडी टू हर कैरियज। इसमें मोंटी क्रिस्टो जवाब देता है कि मर्सिडीज मज़ीद बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, इस बात की मैंने कसम खा ली है। बर्टुशियो मैडम को गाड़ी का रास्ता दिखाओ। काउंटेस एडमंड योर लाइफ इज, इस पर काउंटेस कहती है कि एडमंड तुम्हारी ज़िंदगी। मोंटी क्रिस्टो इन अ फॉर्मिडेबल वॉइस, बर्टुशियो द काउंटेस ऑफ मोरसेफ सीज दैट further explanation is useless, she is led away by the Bertuccio, the Count of Monte Cristo goes to a drawer in a writing desk and takes out a document। Monte Cristo Bertuccio को आवाज़ देता है और फिर इस पर मर्सिडीज़ देखती है कि अब मज़ीद बात करना बेकार है, वो Bertuccio के ज़रिए बाहर की तरफ चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि
जनाब मोंटी क्रिस्टो जो है वो एक ड्रॉअर की तरफ जाता है और वहाँ से अपनी राइटिंग डेस्क पर बैठकर वो एक डॉक्यूमेंट निकालता है। ही सिट्स डाउन एंड एग्जामिन्स इट क्लोजली। वो उस डॉक्यूमेंट को बैठकर बहुत ही नज़दीक से देख रहा होता है। बर्टुशियो कम्स इन। इतने में बर्टुशियो जो है उसका नौकर वो अंदर आ जाता है। मोंटी क्रिस्टो लुकिंग अप, बर्टुशियो, दिस डॉक्यूमेंट इज माय विल टू विच आई एम अबाउट टू पुट माय सिग्नेचर। आई विश यू टू बी अ विटनेस टू इट एंड आई शैल आल्सो नीड अ सेकंड विटनेस। इस पे मोंटी क्रिस्टो ऊपर देखते हुए बोलता है अपने नौकर से कि बर्टुशियो ये जो डॉक्यूमेंट तुम देख रहे हो ये मेरा वसीयतनामा है जिस पे मैं अभी साइन करने वाला हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस पर एक विटनेस के तौर पे दस्तखत करो और तुम इसके विटनेस बनो और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और भी विटनेस हो। बर्टुशियो, मुनिशर मोरेल हैज़ रिटर्न्ड सर। इतने में उसका नौकर बर्टुशियो बताता है कि मुनिशर मोरेल जो कि मोंटी क्रिस्टो का दोस्त है वो वापस आ गया है। मोंटी क्रिस्टो Then asked him to come in. Bertuccio goes out and returns with Morel. इस पर मोंटी क्रिस्टो से कहता है कि जाओ और उसे अंदर ले आओ और बर्टुशियो जाकर मोंटी क्रिस्टो के दोस्त मोरेल को अंदर ले आता है। मोरेल, आह माई डियर काउंट, आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर नॉट येट रिटायर्ड टू बेड। इस पर मोरेल जो है वो मजाक करते हुए अपने दोस्त से कहता है कि ओह मेरे अजीज़ जनाब, मुझे खुशी है ये देख कर कि तुम अभी तक बिस्तर से नहीं जा लगे। ऑल इज़ नाउ सेटल्ड। सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। इट इज़ फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock। कल सुबह 8 बजे के लिए सारी चीज़ें सेट हैं। इन द बॉयज़ डिविंसेस, बॉयज़ डिविंसेस में जहाँ ये ड्यूल होने वाला है। द सेकेंड्स आर ऑल चूज़न। जितने भी साथी हैं दोनों तरफों से वो चुने जा चुके हैं। एंड यू मे बी बैक हेयर फॉर ब्रेकफास्ट बाई 9 o'clock। और हो सकता है कि तुम सुबह 9 बजे तक यहाँ वापस आ चुके हो नाश्ता करने के लिए। मोंटी क्रिस्टो, वन मोमेंट मोरेल, दिस डॉक्यूमेंट विच यू सी हेयर इज़ माई विल। इस पे मोंटी क्रिस्टो जो है वो कहता है एक मिनट मोरेल, ये जो डॉक्यूमेंट तुम देख रहे हो ये मेरा वसीयतनामा है। I will not trouble you now to read it. मैं तुम्हें इसे अभी पढ़ने की ज़हमत नहीं दूंगा। But when I am dead, go to my solicitor and examine it. लेकिन जब मैं मर जाऊँ तो उसके बाद तुम इसे ज़रूर पढ़ना। Meanwhile, I must ask you to witness my signature. और अभी तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरे गवाह बनो, इस साइन को जो मैं कर रहा हूँ इसके तुम गवाह बनो, शाहिद बनो। मोरेल, व्हाट, व्हेन यू आर डेड। मोरेल, क्या जब तुम मर गए होगे। मोंटी क्रिस्टो, यस, मस्ट आई नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग माय फ्रेंड। इस पर मोंटी क्रिस्टो कहता है कि हाँ, क्या मुझे तैयार नहीं होना चाहिए हर चीज़ के लिए मेरे दोस्त। मोरेल, ट्रू, दो इन दिस केस सच अ प्रिकॉशन इज हार्डली नेसेसरी एंड येट If I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider this unhappy youth has a mother. इस पे मोरेल कहता है कि बिल्कुल सही है कहा तुमने, लेकिन इस मामले में इस तरह की एहतियात लाजमी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर तुम फिर भी मेरे एक फेवर मुझसे लेना चाहो और मेरी तुम बात सुनो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम एल्बर्ट को ना मारो। इस बात को ज़रूर सोचो कि उस लड़के की एक माँ भी है। मोंटी क्रिस्टो, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट। मोंटी क्रिस्टो इस पर कहता है कि मैंने इस बात को नहीं भुलाया है। मोरेल, यू आर द ऑफेंडेड पार्टी, यू विल हैव द राइट टू फायर फर्स्ट। इस पर मोरेल कहता है कि तुम हो जिसके साथ जुल्म हुआ है तो सबसे पहले तुम्हारा हक बनता है कि तुम फायर करो। After what I have seen of your marksmanship, जो मैंने तुम्हारे निशानेबाजी देखी है, I do not doubt that you can kill Albert if you choose. तो इस वजह से मैं कोई शक ही नहीं है मुझे कि अगर तुम चाहो तो तुम एल्बर्ट को मार सकते हो। मोरेल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यही कहता है कि
मुझे इस बात पर तुम्हारी निशानेबाजी देखते हुए कोई शक ही नहीं है कि अगर तुम चाहो तो तुम एल्बर्ट को फौरन मार सकते हो। His only chance of safety lies in your generosity. उसके बचने के तमाम इम्कानात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहमदिली पर ही हैं। Break his arm, wound him, do not kill him. तुम चाहो तो उसकी बाजू तोड़ दो, उसको ज़ख्मी कर दो, लेकिन उसे मारो मत। Monte Cristo, thank you, Morel, but to tell the truth, I do not need entreating to spare Albert's life. Shukriya, Morel. लेकिन सच कहूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं एल्बर्ट की जान लूँ। ही शैल बी सो वेल स्पेयर्ड दैट ही विल रिटर्न क्वाइटली होम विद हिज फ्रेंड्स वाइल आई। वो जो है वो बहुत आराम से घर वापस खामोशी से चला जाएगा कल अपने दोस्तों के साथ, जबकि मैं। मोरेल, वाइल यू। इस पे मोरेल जो है वो क्वेश्चन भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, और तुम? Monte Cristo, that will be another matter. I shall be brought home. इस पर Monte Cristo जो है वो धीमे लहजे में कहता है कि ये एक अलग मामला है, मैं हो सकता है कि घर लाया जाऊँ। Morel, no, no. इस पर Morel कहता है कि नहीं। Monte Cristo, it is as I have said. Albert will kill me. Monte Cristo कहता है कि ये इसी तरह से है जैसा मैंने कहा है, एल्बर्ट मुझे मार देगा कल। किल यू माई डियर काउंट? मोरेल जो है वो हैरानगी से पूछता है कि तुम्हें मारेगा मेरे अजीज काउंट? Monte Cristo, कम नो मोर वर्ड्स मोरेल, ड्रॉ नियर Bertuccio, आई टेक द पेन दस एंड आई साइन माई विल। इस पर Monte Cristo कहता है कि और कोई बात ना करो, मोरेल आओ, Bertuccio आओ। वो पेन उठाता है और फिर उस पर साइन कर देता है। ही साइंस, नाउ मोरेल राइट योर नेम हेयर। और फिर वो कहता है कि मोरेल अपना नाम लिखो यहाँ। मोरेल डज सो, मोरेल ऐसा ही करता है। आह मोरेल, व्हेन अ मैन रिजोल्व्स टू अवेंज हिमसेल्फ ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल टियर आउट द हार्ट फ्रॉम हिज ब्रेस्ट। इस पे एक ठंडी आह लेते हुए Monte Cristo जो है वो अपने दोस्त मोरेल से कहता है कि जब भी कोई इंसान जो है अपना बदला लेने की कोशिश करे तो सबसे पहला काम जो उसे चाहिए वो ये है कि वो अपने सीने से दिल को उखाड़ बाहर फेंके।